हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल. दिस इज़ द वीडियो ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th एंड इन दिस वीडियो द चैप्टर इज़ गोइंग ऑन ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड इस चैप्टर में हम लोगों ने जो सोर्सेज थे इंफॉर्मेशन के वो कम्प्लीट कर लिए हैं, दोनों ही लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज विद देयर कैटेगरीज, उनकी कैटेगरीज के साथ में. अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है अचीवमेंट्स ऑफ ग्लोरियस इंडिया. अचीवमेंट्स ऑफ ग्लोरियस इंडिया में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा ग्लोरियस इंडिया था, ग्लोरियस इंडिया यानी कि जो एंशंट इंडिया था हमारा, जो कि ग्लोरियस था यानी कि जो हमारा पुराना प्राचीन जो इंडिया था वो बहुत ही ग्लोरियस था, स्वर्णिम था, गोल्डन इंडिया था, उसकी क्या अचीवमेंट थी. आज के मॉडर्न इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हमारे पुराने टाइम पर, यानी कि ग्लोरियस जो पीरियड था हमारा और हमारा ग्लोरियस जो भारत था, जो इंडिया था, उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी एंशियंट टाइम से ही. तो जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन, रिलीजन, जो इंडियन जो हमारा साइंस है और हमारे जो इंडियन थाट्स हैं, इनका बहुत ही बड़ा अचीवमेंट्स रहा है, हैव बीन एट द क्रेस्ट सिंस इन द बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री, कि जब इतिहास की शुरुआत हुई थी तब से ही हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन रिलीजन, इंडियन सोसाइटी, आर्ट, लिटरेचर, ये सब ही अपने बेस्ट फॉर्म में थे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री. जब से इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हुई है तब से इंडिया हमारा इन सब फील्ड में ही एक्सपर्ट रहा है. एंशियंट टाइम से ही हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड टीचर कहलाता था, यानी कि जो पूरी दुनिया का गुरु कहलाता था, ये हमारा जो इंडिया है. इंडिया वॉज रिगार्डेड एज द टीचर ऑफ द वर्ल्ड, ये टीचर ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था. इफ़ यू लुक अपॉन द इट्स इकोनॉमिक स्टेटस, और अगर हम इसके इकोनॉमिक स्टेटस की तरफ देखते हैं, यानी कि हमारा जो एंशियंट टाइम पर जो हमारा इंडिया था वो इकोनॉमिकली बहुत ही प्रॉस्परस था एंड इट वॉज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड, इसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था. तो नॉलेज के बेस पर तो इसको टीचर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था, है ना, टीचर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. कौन से बेस पर? नॉलेज के बेस पर, क्योंकि इंडिया में ज्ञान का भंडार बहुत था. और इसके इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर इंडिया को क्या कहा जाता था? इकोनॉमिक स्टेटस के बेस को इंडिया को क्या कहा जाता था? गोल्डन बर्ड कहा जाता था. और एक चीज़ और कही है कि हम लोगों की द ग्लोबल प्रोपोगेशन ऑफ इंडियन कल्चर. अब हम बात करते हैं तो अचीवमेंट तो समझ में आया, क्या अचीवमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? अचीवमेंट में तो हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, हमारे आर्ट है, लिटरेचर है, ये सब ही क्या थे? हैव बीन एट द क्रेस्ट, ऊंचाई पर थे, सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की जब शुरुआत हुई थी तब से ही. हमारे इंडिया को टीचर ऑफ द वर्ल्ड कहा जा गया है. क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े गुरु हुए, नॉलेजेबल पर्सन हुए हैं, और नॉलेज के बेस पर इंडिया में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, ज्ञान थी, इंडिया में बहुत नॉलेजेबल पर्सन्स थे, इसीलिए. और इसने बाकी दुनिया को नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है, और इसके इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर इसको गोल्डन बर्ड कहा जाता था. एक और चीज़ कही गई है कि इंडिया हैज़ लेड द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ मॉरलिटी एंड ह्यूमन कंडक्ट एंड कैरिज. इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को क्या किया है? गाइड किया है. कौन से वर्ल्ड में? मॉरलिटी के फील्ड में, यानी कि नैतिकता के फील्ड में. और अथर्ववेदा में एक पृथ्वी सूक्ता है, उसमें भारत को तो क्या बताया गया है? माता भारत की भूमि को, वो पूरे वर्ल्ड को वसुदेव कुटुंबकम बताया गया. हम बात करते हैं ग्लोबल प्रोपोगेशन ऑफ इंडियन कल्चर. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो इंडियन कल्चर है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, उसका ग्लोबल प्रोपोगेशन कैसे हुआ. ग्लोबल प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड में प्रोपोगेट कैसे हुई, वर्ल्ड में उसका फैलाव कैसे हुआ, वर्ल्ड में उसका प्रमोशन कैसे हुआ. समझ में आ रही बात? तो इंडियन कल्चर का वर्ल्ड में प्रोपोगेशन कैसे हुआ, वर्ल्ड में वो स्प्रेड कैसे हुई. तो हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ये वर्ल्ड में जो प्रोपोगेट हुई है, ये किसी वॉर से नहीं हुई है, ये प्रोपोगेट हुई है वीपन ऑफ लव, यानी कि प्यार जैसे हथियार से,
बहुत ही मतलब इसको प्रेम के हथियार से हम लोगों ने हमारे कल्चर को स्प्रेड किया है। सिर्फ मिलिट्री इन्वेजन यानी कि आक्रमण करके हमारा इंडियन कल्चर दूसरी कंट्री में स्प्रेड नहीं हुआ है। तो इन एंशियंट टाइम्स द कल्चर विच हैड ग्लोबल प्रोपगेशन वॉज नन अदर देन द इंडियन कल्चर। पुराने ज़माने में अगर कोई कल्चर, अभी तो क्या मॉडर्न टाइम में तो एक दूसरे का कल्चर सब में मिक्स हो रहा है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर में भी जी रहे हैं, हम लोग बहुत से अलग अलग कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसकी जो इच्छा है वो कल्चर फॉलो कर सकता है। ये मॉडर्न टाइम है क्योंकि अब तो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत ईजी हो चुका है, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट बड़ी ईजीली कर सकते हैं, इंटरनेट भी तो जो चल पड़ा है। लेकिन एंशियंट टाइम में अगर कोई कल्चर जिसका ग्लोबल प्रोपोगेशन हुआ था, जिसका पूरे वर्ल्ड में विस्तार हुआ था, वो और कोई नहीं था, वो हमारा इंडियन कल्चर ही था। दिस वॉज अचीव्ड बाय नॉट द मिलिट्री इन्वेजन बट द वीपन ऑफ लव और मॉडेस्टी। लेकिन ये प्यार और नैतिकता के बल पर ही हमने ये ग्लोबल प्रोपोगेशन किया है। अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रोपोगेशन कैसे हुआ। प्रोपोगेशन कैसे हुआ भाई, इंडिया के जो लोग थे वो एज ए ट्रेडर बन के गए बाहर, वो ट्रेड करने के लिए बाहर गए। ट्रेड करने के लिए जब वहाँ पर गए तो लोगों ने वहाँ लोगों से उन्होंने अपने आइडियाज़ को और अपने कल्चर को एक्सचेंज किया और कुछ लोग वहीं पर ही सेटल हो गए। भाई ग्लोबल प्रोपोगेशन कैसे हुआ, जब लोग जो थे हमारे इंडिया के जो लोग थे वो इंडिया के बाहर इंडियन कल्चर को स्प्रेड करना चाहते थे और कुछ लोग एज ए ट्रेडर बन करके भी गए। जो वो ट्रेडर गए थे तो वहाँ पर वो सेटल हो गए और उन्होंने वहाँ पर इंडियन कल्चर को क्या क्या स्प्रेड किया। तो एक अग्नि पुराण है, इन अग्नि पुराण इंडिया हैज़ बिन कॉल्ड जम्बोद्वीप। इंडिया को क्या कहा गया है अग्नि पुराण में, जम्बोद्वीप कहा गया है। एंड द ओवरसीज रीजन यानी कि समुद्र के पार वाले रीजन जिसमें आइलैंड्स वगैरह आते हैं, जैसे इंडोनेशिया है, सुमात्रा है, जावा है, श्रीलंका है, ये समुद्र के पार के रीजन्स हैं जिन पर इंडिया का कंट्रोल था, इनको क्या कहा जाता था, द्वीपांतर। ये पहले क्या थे, इंडिया के ही पार्ट थे, इंडिया से ही जुड़े हुए थे, तो इनको द्वीपांतर कहा जाता था। तो द इंडियन कॉलोनीज अक्रॉस द सी वर कॉल्ड द्वीपांतर। इंडियन कॉलोनीज, कॉलोनीज का मतलब होता है जिस पर इंडिया का पावर था, तो ओवरसीज रिवर रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के ओवरसीज रीजन, उनको क्या कहा गया, द्वीपांतर। दे कंसिस्ट ऑफ 9 आइलैंड, इनको 9 आइलैंड कहा गया है। अब ये जो बाकी है वो कैसे हुआ था वो मैं कल मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया का ग्लोबल प्रोपोगेशन कैसे हुआ, इसके पॉइंट्स वगैरह बना करके कल के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ़।